वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डीजल इंजन में जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम प्रयोग किया जाता है, उस फ्यूल सप्लाई सिस्टम में जो कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं उसके संबंध में समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, तो देखते हैं वे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, फ्यूल टैंक जो डीजल को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, फीड पंप। थर्ड, फ्यूल फिल्टर। फोर्थ, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और फिफ्थ, इंजेक्टर। इस प्रकार से डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो आज समझते हैं डीजल इंजन में जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम प्रयोग किया जाता है फीड पंप के बारे में। तो देखते हैं फीड पंप। फीड पंप को हिंदी में प्रदाय पंप भी कहा जाता है और फीड पंप को और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम ट्रांसफर पंप कहते हैं। ट्रांसफर पंप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह ट्रांसफर करता है, इसलिए फीड पंप को ट्रांसफर पंप के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं कि एक इंजन में फीड पंप का क्या कार्य होता है। फीड पंप का जो कार्य होता है इंजन के अंदर, वो फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक करना एंड फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करना फ्यूल टैंक फीड पंप का कार्य होता है। जैसे आप देखें कि एक इंजन में फ्यूल टैंक चेचिस के किसी भी स्थान पर कनेक्ट होता है, वहां से सक्शन पाइप के माध्यम से फीड पंप फ्यूल को सक करता है और इंजन में लगा हुआ जो फ्यूल फिल्टर होता है उस फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से एक इंजन में लगा हुआ फीड पंप का कार्य होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक करके फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करना। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो इंजन में लगा हुआ जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है जिसे हम FIP कहते हैं, और जो इंजन में क्रैंकेस पर माउंट किया हुआ होता है, तो उसी FIP पर एक फीड पंप लगा हुआ होता है। और ड्राइव की बात करें तो जो फ्यूल इंजेक्शन पंप में लगी हुई जो एक कैमशाफ्ट होती है, उसी कैमशाफ्ट के द्वारा फीड पंप को ड्राइव दी जाती है और चलाया जाता है। तो इस प्रकार से जो इंजन में लगा हुआ जो फीड पंप होता है, उस फीड पंप का को इंजन में फ्यूल को सप्लाई करने के लिए और इसे फीड पंप में जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उस पर लगा दिया जाता है और फ्यूल इंजेक्शन पंप की कैमशाफ्ट के द्वारा इसे चलाया जाता है। और देखते हैं कि फीड पंप के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखते हैं कि इंजन में लगा हुआ जो फीड पंप होता है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप की कैमशाफ्ट द्वारा इसे चलाया जाता है। तो ये वाला भाग जो होता है इसे कैमशाफ्ट होता है और कैमशाफ्ट के साथ में अटैच या जिसके द्वारा उसे प्रेस किया जाता है और साथ में लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं रोलर टैपिंग। रोलर टैपिंग जो कैमशाफ्ट के साथ में इसे ऑपरेट किया जाता है। रोलर टैपिंग के साथ में एक स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल, और स्पिंडल के साथ अटैच किया हुआ एक प्लंजर होता है और प्लंजर के साथ में कनेक्ट एक प्लंजर
स्प्रिंग लगी होती है। इस प्रकार से फीड पंप में ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को प्रेशर चैम्बर के नाम से जाना जाता है और इस भाग को सक्शन चैम्बर कहा जाता है। और सक्शन चैम्बर में एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को सक्शन वाल्व कहा जाता है, क्योंकि ये फीड पंप में सक्शन चैम्बर में लगा हुआ होता है, इसलिए इसे सक्शन वाल्व कहा जाता है। और इसी फीड पंप से फ्यूल प्रेशर के साथ आगे फ्लो होता है, इसलिए एक वाल्व, इस मार्ग पर एक वाल्व लगा होता है, इसलिए इस वाल्व को प्रेशर वाल्व कहा जाता है। और इस प्रकार से एक फीड पंप का कंस्ट्रक्शन होता है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कैमशाफ्ट, रोलर टेपिट, प्रेशर चैम्बर, स्पिंडल, प्लंजर स्प्रिंग, सक्शन चैम्बर, सक्शन वाल्व और प्रेशर वाल्व। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखते हैं आगे कि एक फीड पंप की वर्किंग के संबंध में समझते हैं कि एक इंजन में जो फीड पंप लगा होता है वो किस तरह से वर्किंग करता है। वर्किंग की बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन में लगा हुआ जो फीड पंप है वो FIP की कैमशाफ्ट के द्वारा उसे ड्राइव दी जाती है। तो जब कैमशाफ्ट का उत्केंद्री रूप से जब ये रोटेट करती है और ये अपने उच्चतम बिंदु से आगे चलना प्रारंभ करती है कैमशाफ्ट, उस दौरान रोलर टेपिट को ये प्रेशर के साथ नीचे की ओर, मतलब डाउनवर्ड मोशन में ये प्रेस करती है और ये प्रेशर के साथ रोलर टेपिट नीचे प्रेस होगा और रोलर टेपिट के साथ में लगा हुआ जो स्पिंडल होता है वो भी नीचे की ओर प्रेस होगा और स्पिंडल के साथ लगा हुआ एक प्लंजर होता है और प्लंजर भी नीचे की ओर प्रेस होता है और प्लंजर से लगा हुआ जो स्प्रिंग होता है उसके टेंशन के विरुद्ध ये रोलर टेपिट, स्पिंडल और प्लंजर एक फीड पंप में डाउनवर्ड मोशन में चलना प्रारंभ करता है। जैसे डाउनवर्ड मोशन में चलना प्रारंभ करता है, उस दौरान पहले स्ट्रोक के दौरान जो सक्शन चैम्बर में भरा हुआ जो डीजल होता है उस डीजल पर यह प्रेशर देता है और उस प्रेशर के दौरान डीजल प्रेशर वाल्व के माध्यम से इस डीजल का एक हिस्सा प्रेशर चैम्बर में प्रवाहित होता है और एक हिस्सा आउटलेट मार्ग से बाहर प्रवाहित होता है। और जैसे ही प्लंजर अपनी मध्यवर्ती स्ट्रोक में आता है उस दौरान स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध यह प्रेस होता है और प्रेस होने के बाद ये प्रेशर वाल्व को ओपन करता है। जो प्रेशर वाल्व होता है ये सक्शन चैम्बर में भरे हुए डीजल के प्रेशर से ओपन होता है। अब जैसे ही कैमशाफ्ट का कैम वाला हिस्सा उत्केंद्र रूप से अपने रोटेट से आगे बढ़ता है, उस दौरान ये जैसे रोलर टेपिट पर कैमशाफ्ट का प्रेशर कम होता है उस दौरान प्लंजर स्प्रिंग अपने टेंशन से प्लंजर को ऊपर की ओर प्रेस करता है। इस स्थिति में जो प्लंजर होता है वो अपवर्ड मोशन करना प्रारंभ करता है और उस अपवर्ड मोशन करने के दौरान इस सक्शन चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट होता है और इस वैक्यूम के कारण सक्शन चैम्बर में दिया हुआ एक जो सक्शन वाल्व होता है वो ओपन होता है और उस ओपन होने के दौरान इसके इनलेट मार्ग से, जो कि ये पोर्ट फ्यूल टैंक से सक्शन पाइप के माध्यम से कनेक्ट होता है और फ्यूल टैंक से ये फ्यूल फीड पंप के सक्शन चैम्बर में आना प्रारंभ हो जाता है, तब तक प्लंजर ये
डाउनवर्ड मोशन से अपवर्ड मोशन की ओर अपने उच्चतम बिंदु पर चला जाता है और सक्शन चेंबर में पूर्ण रूप से डीजल फिलअप हो जाता है। अब जैसे ही एक फीड पंप में उसका दूसरा स्ट्रोक प्रारंभ होता है, या एक बोल सकते हैं कि जब केम शाफ्ट का केम वाला हिस्सा रोलर टेपिट को प्रेस करता है, उस दौरान प्लंजर अपवर्ड से डाउनवर्ड मोशन की ओर डाउनवर्ड मोशन करता है और डाउनवर्ड मोशन करने के दौरान ये पहले स्ट्रोक में जो भरा हुआ जो डीजल है उस डीजल पर प्रेशर प्रोवाइड करता है, डीजल पर प्रेशर देता है, जिससे सक्शन वाल्व जो होता है ये बंद हो जाता है और जो फीड पंप में दिया हुआ जो प्रेशर वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और डीजल आगे की ओर प्रोवाइड होना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो फीड पंप में जो डीजल भरा हुआ होता है प्रेशर चैम्बर में, तो प्रेशर चैम्बर में जो पहले स्ट्रोक के दौरान जो भरा हुआ जो डीजल होता है उस डीजल पर प्लंजर के अपवर्ड मोशन के दौरान ये प्रेशर चैम्बर में भरे हुए डीजल पर प्रेशर देता है और वो डीजल पुनः ये आउटलेट मार्ग से फ्यूल फिल्टर की तरफ प्रवाहित होने लगता है प्रेशर के साथ। तो इस प्रकार से एक फीड पंप जो है कार्य करता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फीड पंप के बाद फ्यूल फिल्टर लगा हुआ होता है और फ्यूल फिल्टर एक डिलीवरी पाइप के माध्यम से कनेक्ट होता है और इस पोजीशन में जब फ्यूल फिल्टर या फ्यूल इंजेक्शन पंप को फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है या फ्यूल पाइपलाइन पूर्ण रूप से भरी हुई होती है, उस कंडीशन में जो फीड पंप होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, जिसे हम इंजन की फीड पंप की आइडल स्पीड के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब फ्यूल पाइपलाइन में पूर्ण रूप से फ्यूल भरा हुआ हो उस समय डिलीवरी जो प्रेशर चैम्बर होता है उस चैम्बर से प्रेशर के साथ फ्यूल आगे फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही डीजल फ्यूल पाइपलाइन में भरा हुआ डीजल होता है और इस दौरान फ्यूल इंजेक्शन पंप को भी डीजल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जो केम शाफ्ट होती है ये रोलर टेपिट को प्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर चैम्बर में भी डीजल भरा हुआ होता है, सक्शन चैम्बर में भरा हुआ होता है डीजल, और इस बीच में जो फीड पंप होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। इस क्रिया को डीजल फीड पंप की आइडल स्ट्रोक या निष्कर्मण क्रिया हम इसको बोलते हैं। और जैसे ही फ्यूल इंजेक्शन पंप को फ्यूल की आवश्यकता होती है और वो फ्यूल लेता है, उस दौरान फ्यूल पाइपलाइन में भरा हुआ जो डीजल होता है वो भी खाली हो जाता है और फीड पंप अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक फीड पंप के ऊपर एक हैंड प्राइमिंग डिवाइस भी प्रोवाइड करी जाती है और उस वो जो हैंड प्राइमिंग डिवाइस होती है वो हैंड प्राइमिंग डिवाइस फीड पंप में लगा हुआ जो सक्शन चैम्बर होता है उस सक्शन चैम्बर के वाल्व के ऊपर एक हैंड प्राइमिंग डिवाइस लगी होती है जिसे कहा जाता है हैंड प्राइमिंग डिवाइस। तो हैंड प्राइमिंग डिवाइस का ये जो काम होता है कि जब फ्यूल पाइपलाइन में एयर लॉक हो जाती है और एयर लॉक हो जाने के कारण वो फ्यूल आगे की ओर फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे इंजन रुक रुक कर चलता है या इंजन एक कंडीशन ऐसी होती है कि वह चलना बंद हो जाता है इंजन, तो उस एयर को पाइपलाइन से ब्लीड करने के लिए निकालने के लिए इस हैंड प्राइमिंग पंप का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही हम हैंड प्राइमिंग पंप की नोब को खोलते हैं और पंप करते हैं तो पंप के प्रेशर से ये सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल टैंक से फ्यूल सक होने लगता है और सक्शन चैम्बर में भर जाता है और सक्शन चैम्बर से
ये प्रेशर के साथ में फीड पंप उस फ्यूल पाइपलाइन में भरा हुआ जो डीजल और डीजल में हवा जो लॉक हो जाती है उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रेशर के साथ फ्यूल को सप्लाई करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक फ्यूल फिल्टर और जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसके ऊपर ब्लेड स्क्रू दिए होते हैं। ब्लेड स्क्रू को लूज करके वो एयर को बाहर बुलबुलों के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम ब्लीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की डिवाइस फीड पंप पर प्रोवाइड करी जाती है जो एयर को ब्लीड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक फीड पंप डीजल इंजन में कार्य करता है और प्रेशर के साथ फ्यूल को सप्लाई करने के लिए फ्यूल फिल्टर को सप्लाई करने के लिए फीड पंप का उपयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू।